सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। हाउ टू कुक सीरीज आजकल आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट स्पेशल, ब्रेकफास्ट में चीज़ें नॉन वेजिटेरियन भी हो सकती हैं, वेजिटेरियन भी हो सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वेजिटेरियन हो। तो ये जो रेसिपी है ये मैं बनाऊँगा टोस्ट के साथ में, ब्राउन टोस्ट। इसके लिए मुझे चाहिए ये जो ब्राउन ब्रेड है ये लेकर, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती है तो शुरुआत करके देखें। वैसे ब्राउन ब्रेड है, काफ़ी लोग समझते हैं कि नहीं नहीं इसमें सिर्फ रंग होता है, अगर अच्छे ब्रांड की आप लेंगे तो वो हेल्दी वाली भी मिल सकती है। खैर, इसका टोस्ट पहले बना लेते हैं। टोस्टर ज़्यादातर घर में होता है, नहीं है तो पैन पे भी इसको सेका जा सकता है। इसमें मुझे चाहिए कुछ फल, और ये जो फल है ये मेहनत का फल है। जी हाँ, ये मेहनत का फल जो है ये मीठा होता है, तो ये मेहनत का फल सेब मीठा वाला होगा। चलिए ये जो सेब है ये ले लेते हैं, और इसको हमने ज़रा क्रश करना है। और अगर आपके पास में स्ट्रॉबेरीज हैं तो कुछ स्ट्रॉबेरी इसके अंदर, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये स्ट्रॉबेरी और ये लीजिए। ये जो सेब हैं ये हमने ले लिए, और इसको पका लेते हैं। क्रीम चीज में मुझे डालना है शहद। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन शायद आपने पहले नहीं देखा हो। तो ये क्रीम चीज़ के अंदर शहद, और ये जो मेरे पास सेब है उसमें भी शहद। अच्छा, ये लीजिए, ये जो ब्रेड है ये पक चुकी है। अच्छा, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है वो, क्योंकि जो टोस्टर है उस पे शायद टेम्परेचर थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए था। खैर, ये क्रीम चीज़, इसके साथ साथ इसमें ये शहद मिक्स कर दिया, और इसको अब हम रख देते हैं कुछ देर के लिए इसी तरह से फ्रिज के अंदर। ये फ्रिज के अंदर इसका काम हो गया। ये जो है सेब और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी हमने इसके अंदर डाली थी, और उसके बाद इसमें हमने मिक्स किया थोड़ा सा हनी। इसको पकने देते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी, और इसको हम स्लाइस कर लेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। अब ये जो एप्पल की सॉस है, एप्पल का जैम है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी के साथ, हनी के साथ ये तैयार। इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, ये देखिए। और ये लेकर अब इसे हम, ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इस पे ये ले लिया, ये, और इसको फैला देते हैं ये ब्रेड के ऊपर गर्मा गर्म। ये ले लिया, और अब क्या करना है, अब क्रीम चीज चिल्ड जिसमें हनी मिक्स हुई हुई है, और इसको आप इस पे डालें, और उसके बाद इसको हमें इसके ऊपर स्प्रेड करना है। और इसे आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इवनली स्प्रेड करना है, इसकी एक लेयर देनी है, बढ़िया सी लेयर इसके ऊपर। और फिर इसके बाद ये आपके पास में जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये ले लें, और इसको इस तरह से, और उसके बाद ये जो ब्रेकफास्ट की चीज़ है, दिखने में एकदम खूबसूरत लेकिन यकीन मानिए दिखने में जैसी लग रही है उससे कहीं बढ़िया इसका स्वाद है।
टेस्टी डिलिशियस, अंडा नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रूटी है, फ्रेश आपके सामने बनी हुई है। संडे को खाना चाहें, बच्चों को देना चाहें, पार्टी में रखना चाहें, कभी भी सर्व कर सकते हैं। मुंह में पानी आ रहा है, बोला नहीं जा रहा, आप बनाइए। टोस्ट विथ हनी एंड फ्रूट्स बनाने के लिए आपको चाहिए 8 ब्राउन ब्रेड स्लाइस, 8 बड़े चम्मच शहद, 2 सेब, 12 स्ट्रॉबेरीज और 1 कप क्रीम चीज। टोस्ट विथ हनी एंड फ्रूट्स बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड को पॉपअप टोस्टर में टोस्ट कर ले। सेब को मोटा मोटा काट ले और एक ब्लेंडर जार में डालें। उसी में स्ट्रॉबेरीज डालकर बारीक ब्लेंड कर ले। इसे एक नॉनस्टिक पैन में डालें और पकाएं। 2 बड़े चम्मच शहद मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। 2 बड़े चम्मच शहद क्रीम चीज में भी डालें और मिलाएं और रेफ्रिजरेटर में रखें। बचे हुए स्ट्रॉबेरी स्लाइस कर ले। टोस्टों पर सेब का सॉस फैलाएं, उस पर क्रीम चीज की मोटी परत फैलाएं, उस पर स्ट्रॉबेरीज के स्लाइस सजा कर तुरंत परोसें।